अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, एडवर्टाइजिंग के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जिनको हम क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग कहते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एडवर्टाइजिंग के डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये स्कीम ऑफ लेक्चर आपके पास आ रही है इस वक्त, इंट्रोडक्शन टू क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, देन आपके साथ बारी बारी सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिसिज्म हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर, जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करूँगा। लोग क्या तनकीद करते हैं एडवर्टाइजिंग की, उसके क्या नुकसान हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और कुछ सैम्पल एडवर्टाइजमेंट्स भी देखेंगे जिनके अंदर जो है वो इस तरह के मैसेजेस दिए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो रियलिस्टिक और रैशनल नहीं है। मेन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग आर, जो मेन क्रिटिसिज्म है लोगों का अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग, वो बेसिकली आपके आगे मैं बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी है। नंबर वन, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, आप मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडियाज इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। जो आप प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए जो है आप मुख्तलिफ किस्म की चैनल्स यूज़ करते हैं, टीवी के चैनल्स के थ्रू आप रेडियो चैनल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें होता ये है कि आपके प्रोडक्ट, आपको जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसके अलावा भी एक उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी कॉस्ट जो है वो आपको मार्केटिंग के लिए जो कॉस्ट होती है वो भी आपको खर्च करनी पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड्स, लोगों की जो सेकंड होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड्स, लोगों की जो नीड्स होती है उनको आप बढ़ा देते हैं। लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप अपने एडवर्टाइजमेंट से इस तरह से उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, इस तरह से उस प्रोडक्ट के फ़ायदे लोगों को गिनवाते हैं कि लोग समझते हैं कि ये तो बड़ी ज़रूरी है, इसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मींस कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनके अंदर वो चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में बताई जाती हैं जो कि एक्चुअली उस प्रोडक्ट में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। ये डिसेप्शन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा इसकी कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रही हैं और उनके इश्तहार डिसेप्शन के अलावा कुछ, उनकी प्रोडक्ट असल में देखें तो कुछ है ही नहीं। एक अच्छी सी पैकेजिंग में आपको एक चीज़ मिल रही है लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई जा रही हैं, उसकी जो फ़ायदे आपको गिनाए जा रहे हैं वो उसके अंदर है ही नहीं। इट लीड्स टू मोनोपोली। जब आपकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एक जो प्रोडक्ट ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है और ज़्यादा फेमस हो जाती है तो वो, और जो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं लोग तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा फेमस हो जाती है एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से, वो प्रोडक्ट मार्केट कैप्चर कर लेती है सारा। और उसके अलावा और जो उसी जैसी प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर डिटर्जेंट है, लेकिन वो इतने बड़े ग्रुप्स नहीं हैं, वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजिंग में नहीं कर सकते, वो जो है वो पीछे चले जाते हैं और वो फिर जो है वो जो सही प्रोडक्ट दे रहा है वो पीछे चला गया और एक फजूल किस्म की प्रोडक्ट है लेकिन उस वो सही तरह से वो काम करती नहीं है जो उसके इश्तहार में वादा किया गया एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो आगे आ जाती है और वो एक ब्रांड बना लेती है, उसकी मोनोपोली हो जाती है, कोई और कंपनी उसके सामने नहीं आती, मार्केट में बड़ा वॉल्यूम उसके पास होता है। हार्मफुल फॉर द सोसाइटी एडवर्टाइजमेंट जो है, बाज एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनएथिकल होती है और वो सोसाइटी के लिए बड़ी हार्मफुल होती हैं, उसके कल्चर के अगेंस्ट होती हैं, जो उसकी वैल्यूज़ हैं
वहाँ पर जो इख्तदार हैं उस माशरे की, सोसाइटी की, उनकी अगेंस्ट होती है कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स, और ये फिर एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वेस्टेज ऑफ प्रीशियस नेशनल रिसोर्सेज, जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कोई ऐसी चीज़ है जो किसी काम की नहीं है उसको बनाकर हम बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे फेयरनेस क्रीम्स हैं हज़ारों के हिसाब से, फेयर एंड लवली और फेयर मैन, फेयर एंड लव, फेयर फॉर मैन, फेयरनेस क्रीम फॉर मैन और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स, तो आप उनको बेच रहे हैं, कंज्यूमर ले रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और वो सारी जो रिसोर्सेज हैं उसको बनाने में वेस्ट हो रही हैं, तो ये एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का भी सबब बनता है एडवर्टाइजमेंट, डिस्पाइट मैनी बेनिफिट्स ड्रॉन फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे इसके अलावा जो हम बेनिफिट्स लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इट सफ़र्स फ्रॉम सिवियर क्रिटिसिज्म, इसको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है, एडवांस बाई डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जो पाकिस्तान में रिलीजियस तबका ज़्यादा है, वो कहते हैं जी आप एडवर्टाइजमेंट में लड़कियों को ना दिखाएं, और कुछ ख़ास किस्म की चीज़ों के बारे में वो बड़े ही टची हैं और वो कहते हैं इन चीज़ों को एडवर्टाइजमेंट में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये अनइथिकल हैं, ये वल्गर हैं, ये वल्गैरिटी की तरफ जाती हैं और इनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो माशरा है, सोसाइटी है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो जो हैं डैमेज होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये आप देखें, मैं आपको एक मिसाल दी हुई है, बर्गर किंग के एक बैनर लगा हुआ है आपके आगे और कंपैरिजन दिया हुआ है कि बर्गर किंग में जो आपका प्रोडक्ट दिखाई जाती है इश्तहार में, जो अखबार में छपते हैं या पंफलेट्स के अंदर आते हैं या बैनर्स में, वो प्रोडक्ट कुछ और है। ये आप देखें, ये आप बर्गर देख रहे हैं, ये कुछ और है, और ये जो आपके पास नज़र आ रही है एक्चुअल बर्गर जो है, एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और है, सही है ना। तो बताने का मकसद है कि एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और है और जो आपको डिलीवर की जा रही है वो कुछ और है, सही है ना। तो इसका मतलब है कि आप जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो वो तो आप एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की कर रहे हैं, और जब वो आप लोगों को दे रहे हैं तो वो कुछ और है। इससे फिर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो कहता है जी मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, प्रोडक्ट दिखाई कुछ और दी कुछ और। तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा। इसी तरह आप ऐसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं जो इन ह्यूमन हेल्थ के लिए हैजर्डियस है। अब ये मालबोरो, ये बड़ी मशहूर एक सिगरेट का ब्रांड है, इसकी इस तरह से मार्केटिंग की जाती है कि जी कावबॉयज़ हैं और बड़े ही लंबे चौड़े और वो मालबोरो पी रहे हैं और वो जो है वो स्मोक कर रहे हैं और उसके बाद वो घोड़े पे बैठ के और दूर दूर मैदानों में जा रहे हैं। तो अब ये बेसिकली क्या है, ये एक ग़लत चीज़ आप उसकी एडवर्टाइजमेंट चला के और लोगों को सेल कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए हैज़र्डियस है। ये तो पॉइजनिंग है, इट्स स्लो पॉइजनिंग। आप उन लोगों को सिगरेट देके स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं उन लोगों के साथ, तो ये भी बिल्कुल अनइथिकल है, बिल्कुल ग़लत है, डिसऑनेस्टी है कि वो कंपनीज जो हैं वो इतने अट्रैक्टिव और कैची किस्म के एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट कर रही हैं ऐसी प्रोडक्ट्स के जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ी ही ख़राब हैं, जिनका इम्पेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर बड़ा बुरा है। लंग्स लोगों के डैमेज हो जाते हैं, लोग हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, इट कैन कॉज डेथ। अब आपने पाकिस्तान, इंडिया, बरसगीर के और बांग्लादेश, ये सारे ममालिक में क्योंकि लड़कियों के कलर्स फेयर नहीं होते, तो वहाँ आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए फेयर एंड लवली। अब कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है विदाउट, आजकल कुछ सर्जरीज आ गई हैं, आजकल कुछ ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उनको, एक ख़ास किस्म का पिगमेंट होता है एक, उसको कहते हैं मेलेनिन, अगर वो बॉडी में स्किन में ज़्यादा होता है तो स्किन डार्क होती है और अगर वो कम होता है तो स्किन वाइट होती है। तो ये मेलेनिन है, इसको कम करने के लिए वो कुछ इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप कोई क्रीम लगा लें और कोई कुछ लगा लें तो आपकी जो बॉडी है वो कलर वाइट हो जाए। बिल्कुल गलत है ये कॉन्सेप्ट।
और उस कॉन्सेप्ट पे एक प्रोडक्ट बनी हुई है और सदियों से बिक रही है, और हमने उसमें इजाफा, पहले फेयर एंड लवली होती थी, अब जी वो फायजा ब्यूटी क्रीम भी आ गई है, गोल्डन पर्ल भी आ गई है, जुबैदा ब्यूटी क्रीम भी आ गई है। तो ये बेसिकली आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। देर इज़ नो सच थिंग एज फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहें कि जी आबे हयात भी है, उसको पीने से आपको लंबी उम्र मिल जाती है, वैसे ही एक कि कोई ऐसी क्रीम है जिसको लगाने से हमको, नो, क्रीम लगाने से इंसान कभी भी गोरा नहीं होता, लेकिन लोगों ने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। पीपल आर बेसिकली दे हैव मेक देयर कॉन्सेप्ट कि देयर आर सर्टन फेयरनेस क्रीम्स। अब ये देखें आपके आगे बिलबोर्ड नज़र आ रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी न्यू फेयर एंड लवली आवर बेस्ट एवर फार्मूला फॉर आवर बेस्ट एवर फेयरनेस ट्रीटमेंट, कि इसको लगाने से आपका कलर फेयर हो जाएगा। ये क्या है, ये नेगेटिव जो है ना आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के अंदर ये जो है ये फीचर हो ही नहीं सकता, टेक्निकली स्पीकिंग आपके प्रोडक्ट के अंदर ये सलाहियत हो ही नहीं सकती। बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं और वो भी ये बता सकते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट, सबसे पहला जो आपका मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया और अभी बता रहा हूँ, इंक्रीज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। एज द एक्सपेंसेस ऑन इट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी उसमें एड अप हो जाते हैं, वो एक जो है वो जो एक्सपेंसेस जो आप एडवर्टाइजिंग पे करते हैं वो भी हिस्सा बन जाते हैं प्रोडक्ट की प्राइस में। द इंक्रीज्ड प्राइसेस आर बॉर्न बाय द कस्टमर्स, जो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, जो एडवर्टाइजिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली प्राइसेस होती हैं, वो सारी प्राइसेस फिर कौन बेयर करता है? कस्टमर इज़ द पर्सन हु बेयर्स। कस्टमर वो पार्टी होती है जो प्रोडक्ट के अंदर जो अगर इंक्रीज हो गया प्राइसेस में तो उसको बेयर करती है। बट इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट एडवर्टाइजिंग लीड्स टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लेकिन इससे भी जो है वो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इनकार ही नहीं हो सकते कि एडवर्टाइजिंग की वजह से आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मशहूर होती है, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती है, और जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती है तो आप चले जाते हैं जी लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे, और जब आप लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे चले जाते हैं तो फिर जो है पर यूनिट कॉस्ट जो होती है ऑफ प्रोडक्शन वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब आप ह्यूज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हैं, जब आप लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे चले जाते हैं तो उससे फिर आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है प्रोडक्शन की वो रिड्यूस हो जाती है। द कंज्यूमर मे पे लेस रादर देन हायर, और फिर इस केस में कंज्यूमर कम पैसे पे करता है एज़ कम्पेयर टू हायर प्राइस के, वो लेसर प्राइस जो है वो पे कर रहा होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड्स, एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स आर्टिफिशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, जो आपकी एडवर्टाइजिंग है उसकी वजह से एक आर्टिफिशियल डिमांड, एक आदमी को एक चीज़ नहीं चाहिए लेकिन आपने उसके आगे उस चीज़ के इतने फ़ायदे गिन दिए कि उस आदमी ने कहा कि भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ये तो बड़ी ज़रूरी एसेंशियल है, इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। एंड इंड्यूसेस पीपल टू बाय दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट नीडेड बाय देम, और इसके नतीजे में लोगों को इन्फ्लुएंस करता है एडवर्टाइजमेंट आपका कि लोगों को जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो उसको भी ख़रीद लें। मिसाल के तौर पे कोई शो पीस है, बार बार आपको आप नेट सर्फिंग कर रहे हैं और बार बार आपके पास उस शो पीस का ऐड आया जा रहा है, जिस साइट पे जा रहे हैं साइट में वो शो पीस बना हुआ आ रहा है, आप कहेंगे यार मैं ले लेता हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है यार, और ये इम्पल्सिव बाइंग होती है, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है कस्टमर का कि वो एकदम से कोई चीज़ आपने क्लिक किया, आपके अकाउंट से पेमेंट हो गई या आपने कैश ऑन डिलीवरी पे वो प्रोडक्ट मंगा ली,
और उसकी नीड आपको थी नहीं, शोपीस का आपने क्या करना है, ना आप उसको पी सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं। आपने अपने पैसे उस जगह पर फेंक दिए। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रेपुटेशन इट एलर्स एंड क्रिएट्स अ डिज़ायर इन द माइंड ऑफ द पीपल टू पजिस एन आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड बाई देम, क्योंकि ये रेपिटेटिव होते हैं, बार बार रेडियो पे आपके पास एडवर्टिजमेंट आ रहा है, बार बार टीवी पर आपके पास एडवर्टिजमेंट आ रहा है, तो ये लोगों के अंदर एक डिज़ायर को क्रिएट करता है, ये लोगों के अंदर एक ख्वाहिश को पैदा करता है लोगों के जहन में कि जी हमें ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये तो हमें चाहिए, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड्स, आपकी नीड्स बढ़ा देती है ये एडवर्टाइजमेंट, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वहाँ खाना भी खा लूँ और ये भी कर लूँ। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। रिसेप्टिव, पहले भी बात हुई कि एक प्रोडक्ट में एक खूबी है नहीं, आप उसकी खूबी उसके अंदर बता रहे हैं कि ये फीचर मौजूद है, ये डिसेप्टिवनेस है। जैसे मिसाल के तौर पे सिगरेट पीने से जी आप बड़े एडवेंचरस हो जाते हैं, अब ये उस प्रोडक्ट में ये जो है वो उस प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर नहीं है, उसको पीने से इंसान कोई ज़बरदस्त नहीं हो जाता, या ये सिगरेट पीने से आप बड़े स्टाइलिश लगते हैं, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट को इस तरह से मार्केट किया जाता है, बच्चे होते हैं छोटी उम्र में, वो उस प्रोडक्ट को जो है वो स्टाइल के लिए पीते हैं सिगरेट को, और देन वो फिर जो है वो उनका टेस्ट बन जाता है, वो आदी हो जाते हैं उस चीज़ के, नहीं पीते तो बॉडी में उनके पेन होता है और मुख्तलिफ किस्म के उनको प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और पीते हैं तो भी इट्स सो पॉइजन। तो एडवर्टाइजमेंट लीड्स टू सच एडवर्टाइजमेंट, नॉट ऑल सच, इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिसमें ये इस तरह की हैजर्डियस लेकर शराब के एड्स भी आते हैं, और शराब पीने से किडनीज डैमेज हो जाती हैं, लेकिन वो आते हैं, एक हैजर्डियस चीज़ है, एक ख़तरनाक चीज़ है, ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और उसकी वजह से लोग गलत चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दे आर टर्निंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। समटाइम एडवर्टाइजिंग इज़ यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चीटिंग, चीट करने के लिए लोगों को एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बिल बोर्ड्स होर्डिंग्स लगी होती हैं कि जी हमारे पास आएँ हम आपको अमेरिका भेजते हैं, हमारे पास आएँ हम आपको वेनेजुएला भेजते हैं, हमारे पास आएँ हम आपको लग्जमबर्ग भेजते हैं। तो बेसिकली क्या है ये चीटिंग के तौर पे वो लोगों से पैसे भी ले लेते हैं, उनको भेजते भी नहीं है, भेज देते हैं तो रस्ते में वो बेचारे ज़मीन के रस्ते फंस जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो है उसकी यूज़ करके वो चीटिंग करते हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कि लोग इंस्पायर हो जाते हैं, उनको सुहाने सपने दिखाते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अपॉन द पीपल फॉल्स स्टेटमेंट्स आर गिवन विद रिगार्ड टू डिफरेंट वर्च्यूज़ ऑफ अ प्रोडक्ट, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए झूठे स्टेटमेंट उस प्रोडक्ट की शान में कसीदे पड़े जाते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स उस प्रोडक्ट के लिए कहे जाते हैं, और मुख्तलिफ उसके गलत सलत नेगेटिव उसके जो है प्रोडक्ट के वो बयान किए जाते हैं फीचर्स कि जी ये भी इसके अंदर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, होता उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फ्रॉडुलेंट बींस एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस आर रिस्टोर्ड टू बाय वेरियस ट्रेडर्स इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। फ्रॉडुलेंट मींस गलत, नेगेटिव मींस डिसेप्टिव प्रैक्टिस, डिसेप्शन धोखा देना, धोखे के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं मुख्तलिफ जो ट्रेडर्स होते हैं, और वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐसे फीचर्स बता रहे होते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली उसके अंदर होते नहीं हैं। ऑल दीज थिंग्स एडवर्सली अफेक्ट द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एडवर्टाइजिंग। ये जो अफेक्ट्स हैं कि अगर आप एक गलत चीज़ डिसऑनेस्टी करेंगे अपने कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ, और उसको गलत चीज़ भेज देंगे तो वो तो आगे आपके ऊपर फिर रिलाई नहीं करेगा, उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एडवर्टाइजमेंट पे, वो कहेगा यार ये जो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये सच नहीं होता, बल्कि जो प्रोडक्ट ये देते हैं उसकी वो क्वालिटी नहीं होती जिसकी वो बात कर रहे हैं। ये आपके आगे मैं एक ऐड चला रहा हूँ और इसको हम पहले देखते हैं और फिर इसका डिस्कशन करते हैं कि इसके अंदर क्या डिसेप्शन है। थोड़े बहुत बाल झड़ना नॉर्मल है, पर नए बाल दोबारा ना उगना हेयर फॉल की रियल प्रॉब्लम है।
रीजंस हैं दो, गैर मुफीद तेल और गलत तरीका इस्तेमाल। इसका हल है, अब ये जो आपके आगे इस आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ये एक हेयर फॉल का सलूशन दे रही है मैडम, और ये बड़ी मशहूर मॉडल हैं, और ये डॉक्टर टर्न मॉडल हैं, और ये बालों की डॉक्टर नहीं है, ये डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है, शी इज़ बेसिकली अ डेंटिस्ट। लेकिन एडवर्टाइजमेंट है, कुछ भी हो सकता है, डिसेप्शन। अब लोग तो समझेंगे ना डॉक्टर नादिया हुसैन आ रही हैं, तो डॉक्टर नादिया हुसैन बड़ी सही जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट कि जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त है बालों के लिए, लेकिन वो बालों की डॉक्टर ही नहीं है, वो तो दांत की डॉक्टर है। और वो इंडोर्स किस चीज़ को कर रही है, वो बालों के एक क्लिनिकल इन्वायरमेंट आपको दिखाया हुआ है। हो सकता है इस प्रोडक्ट के मालिक ने कभी ये पैथोलॉजिकल लैब ना देखी हो, टेस्टिंग लैब ना देखी हो, लेकिन वो उसको ऐसे डिपेक्ट कर रहे हैं कि जी बहुत बड़ी लैब है और उसके अंदर बड़ा काम हो रहा है, बड़ी प्रोडक्ट जो है वो उस पर रिसर्च की जा रही है। तो ये भी एक डिसेप्शन है, कोई ऐसा ऑयल एग्जिस्ट नहीं करता कि जो इंसान के जो अगर बाल गिर रहे हों तो उनको वो रोक दे गिरने से। हेयर लॉस का सिर्फ यही ट्रीटमेंट होता है, सर्टन हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में से निकाले जाते हैं, वो स्टेम सेल इंजेक्ट किए जाते हैं सर में, और फिर जाके वो या तो ग्रोथ हो जाती है, रीजनरेशन रीजनरेटिव थेरेपी होती है, उसके थ्रू वो वापस आ जाते हैं, या फिर उसमें एक और मैकेनिज़म होता है, एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें आपकी ही जो आपकी जो क्या कहते हैं सर का एरिया है, डोनर एरिया, उसके अंदर से कुछ बाल जो है वो निकाल के और आपके सर में किसी और जगह पर उनको ग्राफ्ट किया जा सकता है, उनको ट्रांसप्लांट की। अदर देन दैट देर इज़ नो सच लोशन, देर इज़ नो सच ऑयल के जिसकी मदद से आपके बाल दोबारा जो है वो वापस आ सकें। ये डिसेप्शन है, ये दाजल है, ये फरेब है जो ये प्रोडक्ट वाले आपके साथ कर रहे हैं। फर्दर देखेंगे क्या किस तरह से इंडोर्स कर रही हैं, खुद ये दांतों की डॉक्टर ने अनसीन इंडोर्सिंग दी दी प्रोडक्ट जो कि बालों के लिए है। केशिया मोरिंगा की खास खूबियां लिए 8 कुदरती जड़ी बूटियों से बना केशिया रॉबन मोरिंगा, इसकी खास रूट बॉटल से तेल का एक एक खतरा बालों की जड़ों तक जाए और स्कैल्प को नरिशमेंट पहुंचाए, हेयर फॉल रोके, ग्रोथ बढ़ाए, रिजल्ट में वाजे फर्क नजर आए। हफ्ते में 3 बार 4 महीने तक इस्तेमाल, बाल बनाए लंबे घने स्याह चमकदार। केशिया अब कतरा कतरा जड़ों तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हेड की, पहले वाला तो मैंने आपको उसका एनालिसिस करके बता दिया कि वो क्या जो है डिसेप्शन हमसे कर रहा है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके थ्रू बाल उगाए जा सकें तेल लगा के सिर्फ सर के अंदर। तो आगे चलते हैं जी, ये देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। अब ये क्या है जी, ये आप देखें और खुद भी आप बताएं कि ये किस चीज़ का ऐड है। अब ये देखें, ये मैंने आपको यहाँ दिखा दी प्रोडक्ट, बड़ा कैची एड, एडवेंचरिज्म। एडवेंचर कौन करते हैं, जो लोग हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं। और वहाँ पे क्या दिखा रहे हैं जी एडवर्टाइजमेंट में, कि ये कोने में एक गोल्ड लीफ का पैकेट पड़ा हुआ है, टोबैको विच इज़ अ स्लो पॉइजन, और किस पैराए में किस तरीके से किस तरह से वो शुगर कोट करके ये ख़राब प्रोडक्ट जो लोगों के लिए हैज़र्डियस है, उनके लंग्स को डैमेज कर देती है, लंग कैंसर हो जाता है लोगों को सिगरेट पी के, और वो उसको किस तरह से पॉजिटिवली एक उसका इमेज बना के उसको एडवेंचर के साथ जोड़ के गोल्ड लीफ ब्रांड जो है वो सिगरेट्स को और टोबैको स्मोकिंग को मार्केट कर रहा है, उनको एडवर्टाइज कर रहा है। तो ये नेगेटिव, ये डिसेप्शन है। आप लोगों को बताएं कि ये प्रोडक्ट जो हैज़र्डियस है, ये नुकसानदेह है आप लोगों के लिए, और आप उसको शुगर कोट करके और उसका बड़ा खूबसूरत सा
एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके और एक एडवेंचर के साथ उसको लिंक करके और लोगों को शो कर रहे हैं। It leads to monopoly. The main motive of advertising is to emphasize the brand name. जो major motive होता है advertisement का वो ये होता है कि जी वो एक brand loyalty create करें, लोग एक specific brand के loyal हों, उसी को buy करें। इसकी वजह से monopoly create हो जाती है, monopoly हो जाती है उस ब्रांड की जो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसे खर्च करता है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो टीम उसने हायर की है वो ज़्यादा क्रिएटिव है। हालांकि प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, वो प्रोडक्ट और मार्केट में जो अवेलेबल और प्रोडक्ट्स हैं वो सारी एक जैसी हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट की टीम है एडवर्टाइजमेंट की बनाने वाली वो बड़ी क्रिएटिव, उनके पास उन्होंने हायर की भी, तो वो ऐसे आइडियाज़ लेके आएंगे क्रिएटिव किस्म के कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी और जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में पीछे रह जाएंगी, और इस तरह से ये जो ब्रांड होगा ये मोनोपलाइज कर लेगा मार्केट को, इसकी मार्केट में मोनोपली हो जाएगी और लोग इसी के प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे खाली, और ये बड़ी ख़तरनाक है। जब किसी प्रोडक्ट की मोनोपली हो जाती है तो वो फिर अपने कस्टमर्स के साथ कुछ भी करे, वो कस्टमर्स उसके हवाले, वो जो है वो 10 रुपये की जो 10 रुपीज़ की एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ के अंदर सेल करें उनको, अब मार्केट में है वही, तो फिर उसकी मर्ज़ी है वो जब भी जितने भी पैसों के ऊपर उसको सेल करें। मिसाल के तौर पे मैंने एक दफ़ा रिपोर्ट पढ़ी कि एक कंपनी है डेरा प्रेम नाम की, वो टैबलेट बनाती थी HIV एड्स की, और एकदम से उन्होंने क्या किया कि दवा जो थी उसको एकदम से उसकी प्राइस वो बहुत ज़्यादा HIV एड्स की जो दवा थी उसकी जो उसकी वैक्सीन है उसकी जो मेडिसिन है उसकी प्राइस वो बहुत ऊपर ले गए, कई गुना उन्होंने उस प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। अब क्योंकि मार्केट में कोई भी नहीं था दूसरा कंपटीटर जो वो प्रोडक्ट बनाता था, क्योंकि उन्होंने मार्केट मोनोपलाइज कर ली थी, उनकी मोनोपली थी, तो जो वो अकेले ऑल इन ऑल थे मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचने वाले, तो जो प्रोडक्ट उन्होंने जिस पैसे पर उन्होंने बढ़ाई तो फिर लोगों को वो भी बाय करना पड़े। तो जब मोनोपली क्रिएट कर लेता है कोई ब्रांड तो सारी की सारी मार्केट उसके हवाले हो जाती है, सारी जो ऑडियंस आपकी बायर्स हैं जो उस वो जो टारगेट आपका मार्केट है जो लोग उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं वो सारे उस ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं, और वो बेसिकली उनकी उस ब्रांड की मर्जी होती है वो उनके साथ जो सलूक करे। दिस एम्फेसिस मेक्स द कंज्यूमर टू बिकम अ स्लेव ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। वो एक कंज्यूमर जो है वो पर्टिकुलर ब्रांड का स्लेव बन जाता है, उसके पास चॉइसेस नहीं रहती, मोनोपली क्रिएट हो जाती है, वो जो बड़ी कंपनी है वो सारी छोटी कंपनियों को खा जाती है, उनको बाय कर लेती है या वो बंद हो जाती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। एडवर्टाइजमेंट आपके माशरे के लिए बड़ी हार्मफुल है। समटाइम्स एडवर्टाइजमेंट्स आर अनएथिकल, कभी कभी ये अनएथिकल होती है एंड ऑब्जेक्शनेबल, इन काबिल एतराज़ होती है, इनके अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमारी माशरे की इकदार के साथ मेल नहीं खाती और काबिल एतराज़ होती हैं, वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं होती। मोस्ट ऑफन दीज कैरी इनडिसेंट लैंग्वेज, कभी कभी एडवर्टिजमेंट में गंदी जबान इस्तेमाल की जाती है, जुमानी जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड वर्चुअली
न्यूड फोटोग्राफ, उसके अंदर गलत किस्म की तस्वीरें, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो यूज़ की जाती हैं और एडवर्टाइजमेंट्स में। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द सोशल वैल्यूज़, ये हमारी जो है वो माशरे की जो अकदार हैं उनको ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट डालती है। वेस्टेज ऑफ प्रीशियस नेशनल रिसोर्सेज, एडवर्टाइजमेंट जो होती है उसकी वजह से हमारी नेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो भी ज़ाया हो रही होती है। अ सीरियस ड्रॉबैक लिव्ड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट इज दैट इट डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ। एडवर्टाइजमेंट का एक नुकसान ये भी है कि ये जो आपकी प्रोडक्ट होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है कि जो प्रोडक्ट्स की जो सर्टन कुछ ख़ास किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो यूटिलिटी है उसको वो ये ख़त्म कर देती है। द लेटेस्ट एंड इम्प्रूव मॉडल ऑफ अ प्रोडक्ट लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ द ओल्ड वंस। अब एक प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल की जा सकती है लेकिन जब नई प्रोडक्ट आ जाती है तो लोग कहते हैं कि बस जी इस प्रोडक्ट की तो एलिमिनेट हो गई जी यूजेज जो है, ये अब इस्तेमाल नहीं हो सकती, और वो प्रोडक्ट हालांकि सही हालत में भी है वो आपने उठा के उसको फेंक दिया। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर पीपल लाइक टू पजेस द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द कार्स, लोग चाहते हैं कि हम कार के नए मॉडल जो हैं वो इस्तेमाल करें, एंड डिस्कार्डिंग द ओल्ड वंस, और वो पुराने मॉडल कार के जो है वो फेंक देते हैं उठा के, विच आर स्टिल इन यूजबल कंडीशन, जो कि यूजबल कंडीशन में होते हैं जो इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, और इसकी वजह से आपकी जो कौमी जो आपकी रिसोर्सेज होती हैं उनको जो है आपके जो कौमी वसाइल हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आपके पास नई नई गाड़ियाँ हैं और आपने उठा के फेंक दी, क्योंकि नया मॉडल आ गया तो आपने पुरानी फेंक दी उठा के। तो ये एडवर्टाइजमेंट के नेगेटिव अफेक्ट्स हैं, इनको इनकी वजह से एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस को लोग क्रिटिसाइज करते हैं। समरी आज के लेक्चर की, एडवर्टाइजिंग प्लेज अ की रोल इन योर कंपनीज मार्केटिंग प्लान। अगर आपकी कोई कंपनी है तो मार्केटिंग का जो प्लान है वो बन ही नहीं सकता बगैर एडवर्टाइजिंग के। टू एफेक्टिवली अट्रैक्ट कस्टमर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, यू मस्ट इंगेज इन एडवर्टाइजिंग दैट प्रमोट्स योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। आप उनको ऐसे एडवर्टाइजिंग के अंदर इंगेज करें दैट प्रमोट, जो प्रमोट करे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को। प्रिपेयर टू फेस क्रिटिसिज्म, आप जब एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहें। However, from those who believe advertising is deceptive, ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं माशरे में जो ये समझते हैं कि advertising deceptive है, ये झूठी है, ये लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ और बता रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ और दे रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ और दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ और दे रहे हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप वहाँ पर जाएँ तो प्रोडक्ट जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे होते हैं बने हुए, उसके अंदर प्रोडक्ट बड़ी खूबसूरत, बड़ी कलरफुल और उसकी क्वालिटी बड़ी हाई होती है, जब आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं घर पे आती है तो कुछ और निकलती है, कलर कुछ और होता है, तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं दी होती। मच क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग सेंटर्स अराउंड द फॉल्स क्लेम्स, एडवर्टाइजिंग का जो ज़्यादातर क्रिटिसिज्म है, जो तनकीद है उसके ऊपर, उसका जो महवर है वो फॉल्स क्लेम्स है, झूठे दावे। मेड इन प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स, जो सेलर करता है जब वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है, वो प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर्स नहीं होते, वो कहता है जी हैं, मिसाल दी मैंने आपको जी फेयर एंड लवली से रंग गोरा हो जाता है, फायजा ब्यूटी क्रीम से रंग गोरा हो जाता है, सरफराज हेयर ऑयल से बाहर निकल जाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। एंड दैट दे टू ऑफन अर्जेस कस्टमर्स टू मेक परचेजेस दे डोंट नीड, और फिर ये भी कि वो कस्टमर को मजबूर करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं इस मैनर में कि वो ऐसी चीज़ों को परचेज करता है जिसकी उसको नीड नहीं होती, और इस तरह से वो अपनी रिसोर्सेज को ज़ाया कर देता है। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने नेगेटिव पॉइंट्स या क्रिटिसिज्म जो किया जाता है अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग उसको डिस्कस किया। ये आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा।
और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, आगाह करिएगा कि इसमें आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। एक्सप्लेन क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपके जहन में जो आता है उसको क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि वो डिसेप्टिव है, क्योंकि वो आपकी नीड्स को मल्टीप्लाई कर देता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने लिख के मुझे असाइनमेंट जमा कराना है। थैंक यू क्लास।